ये पबजी वालों की जान है। नाम इसका M4, कलर इसका ग्रे है। और बेटा खा मत अपने MP40 पे घमंड, तेरे MP40 से खतरनाक हमारे M4 का स्प्रे है। ज्यादा पबजी मत कर, फ्री फायर में आके देख सबको जिंदा गाड़ देते हैं। ज्यादा पबजी मत कर, फ्री फायर में आके देख सबको जिंदा गाड़ देते हैं। ज्यादा दिमाग खराब किए ना तो MP40 से पूरा स्क्वाड को उड़ा देते हैं, समझा क्या? खेल जिंदगी का हो या ताश का, अपना इक्का तभी दिखाओ जब सामने वाला बादशाह हो। छोटा हो या बड़ा, सबको फ्री फायर खेलना सिखा दूंगा। और जो हमें नूबड़े कह के भौंकते हैं, बेटा फ्री फायर में आओ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। पबजी चाइना की है, इसको बैन कर देना चाहिए। ये सब बोलने वालों रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जागे ना, पहले ना गूगल पे सर्च कर लो, पबजी साउथ कोरिया की है। ये सब अफवाह ना फ्री फायर वाले फैला रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ फ्री फायर वालों, तुम्हारे लिए दो लाइंस कि बेटा हम पबजी वालों का एटीट्यूड और स्टाइल दोनों अलग है। अगर बराबरी करने लगोगे ना तो बिक जाओगे। तेरा बाप आया। आदत नहीं है मेरी बुराई करना, पर वो लोग मेरी बुराई करने से थकते नहीं। पीठ पीछे बोलने का जज्बा है और सामने तो कुछ बकते नहीं। मेरा यही अंदाज इस मतलब इस जमाने को खलता। अरे ओए फ्री फायर वाले चचा, तुम ना गलती से भी पबजी में मत आना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि चिकन डिनर तो दूर की बात है, तुम तो लैंडिंग भी नहीं कर पाओगे। अयो पबजी वाले नल्ले, क्या बोला, लैंडिंग कर नहीं पाएंगे? बेटा ये तो दूर की बात है, तू तो ये भी मत समझ कि फ्री फायर में बुया कर पाएंगे, क्योंकि फ्री फायर में लैंडिंग तो दूर की बात है, प्लेन में बैठ भी नहीं पाएगा। अगर गलती से भी प्लेन में बैठ गया ना बेटा, तो तुरंत AK-47 का गोली खाएगा। आउट, आउट,